हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट वीडियो कोचिंग मास्टर नोट्स एंड अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में, अगर आप 100% रेलवे एग्जाम को निकालना चाहते हैं, आप रेलवे एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम आपको चार टॉपिक बताएंगे, उस चार टॉपिक को अगर आप समझ ले तो आप बिल्कुल 100% आप एग्जाम को निकाल पाइएगा। 100% नॉट 99%, 100% 100% मतलब कि रिजल्ट कंफर्म। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आइए बताते हैं इसमें आपको क्या सब चीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल है जरूरी, वो है एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, इसका फुल प्लानिंग कैसे आपको करनी है, पूरा एग्जाम की जो तैयारी करनी है आपको कैसे करनी है, इसकी प्लानिंग आप क्या करिएगा, किस तरह से करिएगा, इसका पूरा का पूरा प्लानिंग आपको तैयार होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट इसमें बताएंगे कि, लेकिन स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपना ये जो फैसला है वो किसी और पे छोड़ देते हैं। जैसे ही वो कहीं कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए तो सोचते हैं सर जो पढ़ाएंगे तो उसी से होगा तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं। या फिर वो किसी से गाइडेंस लेते हैं तो उसको वो जो बता रहे हैं उतना चीज करते हैं होगा तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। पहले आप अपने आप में कन्फर्म हो लीजिए, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए, आपके टीचर को नहीं चाहिए, नौकरी आपको चाहिए, आपके गाइडनर को नहीं चाहिए। तो नौकरी चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए आपको, तो इसकी प्लानिंग कौन करेगा, प्लानिंग करेगा आप खुद। और इसका जो प्लानिंग के अनुसार जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उससे आप खुद जा कर के ले सकते हैं। हाँ, जो आपको गाइडेंस कर बोल उसको बोल सकते हैं कि हमको ये चीज़ बताओ, मुझे ये चीज़ नहीं आती, नहीं तो फिर आपको कहीं मिस गाइड कर देगा या फिर हो सकता है आपका टाइम बर्बाद कर दे। तो इसी के बारे में कुछ और पॉइंट हम आपको बताते हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। सबसे नंबर वन जो पॉइंट है वो है सबसे पहले एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसका एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से जान लें। एग्जाम मतलब कि इसमें कितने एग्जाम होती है, तीनों, अगर मान लें इसमें तीन होती है या फिर दो होती है तो दोनों के बीच में कितना गैप मिलता है, दोनों एग्जाम का या फिर तीनों एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और उस सिलेबस के अनुसार इसका पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ जान गए। दूसरी चीज़ जानिए सब्जेक्ट वैल्यू। दूसरी चीज़ यानी आपका सब्जेक्ट वैल्यू, कि हमने एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में जान लिया लेकिन हमने सब्जेक्ट वैल्यू को नहीं जान पाए कि कौन सब्जेक्ट वैल्यू का मतलब जिस टॉपिक में से, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उस चीज़ को हमको जानना चाहिए, उस चीज़ को हमको जानना चाहिए। चलो मैथ में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा तो हमको मैथ में फोकस करना चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट वैल्यू को जानिए और सब्जेक्ट के वैल्यू को उसको परसेंटेज देकर बना, जैसे कि नंबर वन परसेंट है, जैसे कि नंबर वन मैथ को रखते हैं, नंबर टू रीजनिंग को रखते हैं, नंबर थ्री साइंस को रखते हैं, नंबर थ्री करंट अफेयर्स को रखते हैं, फिर उसके बाद हम जीके को रखते हैं। तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए, नहीं तो भी पता चलता है ऐसा कि 5-7% क्वेश्चन पूछता है जीके में से और स्टूडेंट लोग उसी पे 95% टाइम दे देते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसा गलती किसके लिए होता है, वैसे गलती करता कौन, कोचिंग वाला, उसको खुद पता नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है और वो लोग बस पढ़ाते रहते हैं जीके पढ़ाते रहते हैं जबकि उसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो स्टूडेंट को इस बात का खुद गारंटी मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, उसको बिल्कुल लेटेस्ट चीज देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर टीचर क्या करता है, टीचर तो 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको 20 साल पहले वाला सिलेबस अभी पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं। वो प्रत्येक साल सिलेबस चेंज हो जाती है, पैटर्न चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट का टॉपिक चेंज होता है, तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। आप बताइए कि टीचर की सर को इसमें से पढ़ाइए, इसमें से नहीं पढ़ाइए, ये चीज नहीं आती एग्जाम में। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वैल्यू। और नंबर थ्री जो चीज है वो है आपको ध्यान रखनी टाइमिंग। आपको इसका एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि हमको किसमें कितना टाइम लगना है, अभी एग्जाम होने में इतना टाइम बचा हुआ और इसमें अभी हम इतना टाइम में इसको कर रहे हैं। अगर हमने 3 महीने का इसको कोर्स बनाया, 3 महीने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप ऐसा सोच ले, टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो फिर पता चलता है आपकी एग्जाम आ गई और 15 दिन पहले तक मतलब कि 50% सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाए। तो इसमें क्या करता है टीचर की एग्जाम आते आते जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर देता है और उसकी तैयारी आधी थोड़ी रह जाती है, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है, अब फिर वो अगले वैकेंसी का इंतजार करते रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस आप टाइमिंग खुद बनाइए और टाइमिंग के अनुसार आपका जितना सब्जेक्ट निकलना चाहिए, जितना चैप्टर निकलना चाहिए उससे 1 या 2 चैप्टर आप आगे ही रहिए हमेशा। तो ये रहा आपका, इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं कि
इंडिया की सबसे बेहतरीन बुक, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि इंडिया की सबसे बेहतरीन बुक जो किताबें आप पढ़िएगा वो आपके लिए, वो आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए, जो आपका रिजल्ट मेकिंग हो, जो आपको रिजल्ट दिला दे और आपको आसानी से समझ में भी आनी चाहिए, तो वो किताब है, उस किताब को मैंने लिखा है मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स सभी सब्जेक्ट का किताब मैंने लिखा है। आप ऐसा मत सोचना कि हमने किताब का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। जब हम वीडियो स्टार्टिंग में बनाते थे तब हम इसको शुरुआत किए थे, हजारों स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि मार्केट की जो किताब मिल रही है वो इस लाइक है ही नहीं कि स्टूडेंट इसको पढ़ के एक बार में दो से तीन महीने का रिजल्ट निकाल सके, तो इसके लिए मैंने खुद किताब लिखा जो कि है मास्टर नोट्स। और ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट के वैल्यू के अनुसार अभी के जो रेलवे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 60% 100 में 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ और रीजनिंग दोनों में से आते हैं, तो यानी कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट बन जाती है वो बन जाती है आपका मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथ नंबर टू जो है वो है आपका रीजनिंग, तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस, साइंस में भी देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो इसमें देखिए फिजिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुकाबले, यानी 50% फिजिक्स और 50% केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी साइंस सेक्शन में। नंबर फोर जो है वो है आपका करंट अफेयर्स और नंबर फाइव है आपका जीके, जीके में से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछता, बस 5-7% क्वेश्चन ही पूछता आपके एग्जाम में। तो इसी के अनुसार 30 नंबर मैथ, 30 नंबर रीजनिंग और साइंस में से आपका लगभग में 25% तक, और उसका फिर देखिए 10% करंट अफेयर और 5% जीके, तो इतना आपका सब्जेक्ट रहा। जबकि देखिए जीके में आपका 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीके आपको बिल्कुल भी आपको पढ़ाई नहीं करनी, इसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में, तो आपको यही 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, 3, 4, 5 और 6, यही 6 बुक आपको पढ़ना है, ये 6 बुक मैंने लिखा है आप सभी लोगों के लिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी स्टूडेंट के लिए है ये बिल्कुल बुक, बहुत जरूरी और इसको पढ़ना बहुत आसान है, मेरी बात है, इसको याद करना बहुत आसान है। तो ये रहा आपका मास्टर नोट्स, आप लीजिए और इस मास्टर नोट्स को आप खरीद करके आप आसानी से पूरा एग्जाम को निकाल पाएगा बिल्कुल 100%। आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि है आपका, अब देखिए आप अगर किताब तो खरीद ली, बेहतरीन से बेहतरीन किताब आप ले लीजिए, वैसे आप हमारा मास्टर नोट्स लेते हो आप इसको सेल्फ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग में अगर आपने कभी नहीं पढ़ाई किया फिर डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट, दुनिया की सबसे तेज कोचिंग जो आपको कम से कम समय पूरा सब्जेक्ट को पढ़ा दे, वो कोचिंग को मैंने बनाया है, वो है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। मैंने क्या देखा, मार्केट का जो भी कोचिंग चल रहा है 2-3 साल लगाता है एग्जाम की तैयारी करवाने में, जबकि मैंने ऐसा कोचिंग बना दिया ऑनलाइन जो आपके व्हाट्सएप में या फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, स्मार्टफोन में वो एप्लीकेशन आप में इंस्टॉल कर देंगे और फिर उस तो ये देखिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग आपके स्मार्टफोन में ये इंस्टॉल हो जाती है और फिर उसमें आपको सभी टॉपिक का वीडियो मिल जाती है। और इस कोचिंग को बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मैंने इसलिए बनाया कि स्टूडेंट अगर चाहे तो एक दिन में 4 चैप्टर भी पढ़ सकता है, वैसे एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ना कंपलसरी है, एक दिन में 1 चैप्टर पढ़िएगा, इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसा ऑनलाइन कोचिंग की तरह टाइम वेस्टिंग आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, ये वीडियो पहले से बना हुआ उसका लिंक वहाँ पर मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, 1 या 2 बार देखिए पूरा चैप्टर सीख जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने एक फॉर्मूला पे पूरा मैथमेटिक्स को बनाने का तरीका मैंने खोज निकाला, उसी एक फॉर्मूला पे मैंने पूरा चैप्टर को बनाया, पूरा मैथमेटिक्स को बनाया। इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा कि हमने किस तरह से उस सब क्वेश्चन बनाते हैं और आप 100% मैथमेटिक्स को जान पाएगा। रीजनिंग का भी वीडियो आपको मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, सबका आपको वीडियो कोचिंग, ये आपको मैक्सिमम 3 महीने तक आपको करनी है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग ये आपको 3 महीने का होगा, इस 3 महीने का अगर आपने स्मार्ट वीडियो कोचिंग कर लिया और मास्टर नोट से पढ़ाई कर ली तो आपको कोई नहीं रोकेगा एग्जाम से, आपकी तैयारी जब होगी सबसे ज़्यादा बेहतरीन तो आपको रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। अब हम आपको बता दें एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाइडलाइंस। देखिए बेस्ट गाइडेंस लेनी होगी आपको, बेस्ट गाइडेंस लेनी होगी, गाइडेंस मतलब क्या, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपके छोटी से छोटी डाउट को क्लियर करे और आपको एग्जाम के समय आपके दिमाग को पॉजिटिव रखे, निगेटिव चीज़ों से दूर रहे। आपको मैं बता दूँ कि आप निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए बिल्कुल, जैसे कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो नौकरी किसी को नहीं मिलेगी,
आने वाले समय वैकेंसी कभी नहीं आएगी। देखिए जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से नौकरी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो आने वाला समय में और भी ज्यादा संख्या में वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी। रेलवे बंद तो नहीं हो जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैकेंसी ये सब निगेटिविटी से बच के रहिए, बस आप लोग पढ़ाई जारी रखते रहिए, चाहे जब भी आए वैकेंसी या फिर एग्जाम डेट कब आएगी या फिर एग्जाम को होगा या फिर नहीं होगा या फिर कब होगा, कब एग्जाम डेट घोषित होगा। तो मैं आपको आज के डेट में अगर एग्जाम डेट घोषित हो जाती और 10 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगी, क्या पास कर पाओगे? नहीं पास कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनानी है। आपको रिजल्ट के लिए 0.1% से मैंने देखा है स्टूडेंट को छटते हुए, तो आपको बस वही 0.1% के गैपिंग को हमेशा भरते रहना होगा। आपको अपनी तैयारी इतना कर लेनी होगी कि आप 90% की तैयारी कर लीजिए। हम एग्जाम देंगे 90% नंबर लाएंगे, कितना भी हाई कट ऑफ जाएगा तो 90% से ऊपर तो नहीं जा सकता ना। आपका रिजल्ट होगा नंबर 1 पोजीशन में होगा और आपकी रैंकिंग अगर बेहतरीन होगी तो आपको अच्छा पोस्ट भी मिलेगा, आपको आपके डिपार्टमेंट में अच्छी इज्जत मिलेगी। तो अब देखिए, तो आपको बस नौकरी तो करनी है 60 साल तक, आपको पूरा जिंदगी बनानी है, तो फिर आप इन नेगेटिव चीजों से अपने पढ़ाई को क्यों डिफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बस करनी तैयारी, तो मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन गाइडेंस दूंगा। इस गाइडेंस को लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, या फिर आप हमें फोन भी लगा सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे और आपके मन में छोटी से छोटी डाउट को भी हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो इस चारों पॉइंट को समझने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि रेलवे एग्जाम जो है बहुत आसान है, तभी तो हमने इसके लिए पूरा बुक लिखा, तभी तो मैंने स्मार्ट वीडियो कोचिंग शुरू किया और जो आप इसको ले सकते हैं। इसका मैं आपको कॉम्बो प्राइस में आपको बता दूं कि मास्टर नोट्स का प्राइस पड़ता है 2000, लेकिन आप इस वीडियो को देखने बाद आपको ये मिलेगी 1000 में सिर्फ और सिर्फ, और स्मार्ट वीडियो कोचिंग का भी प्राइस है 2000, लेकिन आपको ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की। तो लेकिन अगर आप दोनों को साथ में लेते हैं तो इसका प्राइस और भी कम हो जाएगी, आपको ये 1500 को बिल्कुल ये कॉम्बो पैक आ जाएगा एग्जाम की तैयारी के लिए। बस मैक्सिमम 3 महीना, कम से कम आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। इसमें आप इस नोट्स को आपके घर पे पहुंच जाएगी। अगर आप हमारे लोकल के हुए, अगर आप बिहार के हुए, तो हम आपके घर पे खुद आएंगे ये नोट्स आपको देने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आपको कुछ बातें बताएंगे आपसे मिल करके। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बिहार, दलसिंहसराय समस्तीपुर बिहार, हम आपसे मिलेंगे। आपको जो भी आपके मन में डाउट हो हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, फिर आप हमसे हाथों हाथ नोट्स भी ले सकते हैं और गाइडेंस लेकर जाइए। हम चाहते हैं आपका रिजल्ट आ जाए, किसी भी तरह से आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि आपके गांव से अगर एक स्टूडेंट आपने रिजल्ट निकाला तो सोचिए हमारा कितना नाम हो जाएगा, हमारा एक स्टूडेंट के बाद हमारा 100 नया स्टूडेंट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमारा कोचिंग को ज्वाइन करिए। आप कहीं से वो इंडिया में सब जगह पर ये चीज़ अवेलेबल है, हर एक जगह पर ये स्पीड पोस्ट जाती है, बस आप हमसे मिल भी सकते हैं। अब जिस भी मकसद, जिस भी तरीका से आप ये नोट्स लेना चाहे ले सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स दिखा देता हूं, ये नोट्स पूरा कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये रहा आपका रीजनिंग का, फिर देखिए ये रहा आपका कौन सा बायोलॉजी का, ये देखिए ये रहा आपका फिजिक्स का, ये रहा आपका करंट अफेयर्स का। हमारे मास्टर नोट्स में से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाती है, आपके एग्जाम में मिल जाती है। मैंने आपको मैथ का नोट्स नहीं दिखाया, ये हमारा मैथमेटिक्स का नोट्स, और ये सब जो है वो देख लीजिए आप, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। पहले मैं हाथ से लिख कर देता था, लेकिन फिर मैंने टाइपिंग सीखी आप लोगों के लिए, फिर मैं इसको कंप्यूटर पर टाइप किया, फिर आप तक ये नोट्स को पहुंचा रहा हूं, और ये काफ़ी बेहतरीन है। जो भी स्टूडेंट ने लिया है अब तक, मैं इसको 3 साल से मैं स्टूडेंट लोगों को दे रहा हूं, और अब तक काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट लोगों ने हमें रिजल्ट निकाल के बताया। बस आप भी इस नोट्स को लीजिए और अपनी तैयारी को 100% तक पहुँचाइए, 99.9% नहीं 100%, मतलब श्योर रिजल्ट चाहिए। और इस तरीका को अपनाइए, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ ही जाएगा।
आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमारे सोच के बारे में? कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, बिल्कुल 100% ट्रू मैंने बोला है। आपको मुझसे मिल करके ऐसा आपको लगेगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2 बार लोको पायलट बना हूँ, SSC एग्जाम निकाला हूँ, उसके बाद मैंने वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के मैं अपने इस बिजनेस पर ध्यान दूँ। मैंने सोचा मैं अकेले क्यों नौकरी करूँ, जिसको नौकरी में ज़रूरत है मैं उसको लाता हूँ नौकरी में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं किया। आप हमारे बहुत सारे वीडियो को देखे हो जिसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि मैंने आखिर नौकरी क्यों नहीं की। तो आप ये सब चीज़ को लीजिए, आप 100% तैयारी कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।